हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज वो फाइनली दिन आ चुका है जब हम लोग हमारी सिविक में फ्री फ्लो एग्जॉस्ट बिठाने वाले और एक कोल्ड एयर इंटेक बिठाने वाले। जैसे कि आपने देखा, मैंने फिलहाल के लिए अभी एक मफलर डिलीट किया था, मतलब दूसरा मफलर मैंने लगाया जो था वे टू स्पीड कंपनी से। बट ये बार हम लोग जाने वाले एक फुल सिस्टम एग्जॉस्ट से द हेडर्स, वो भी हम लोग स्टेनलेस स्टील पाइप लगाने वाले। फ्रॉम द हेडर्स स्ट्रेट पाइप रहेंगे और उसके बाद एक कोल्ड एयर इंटेक भी रहेगा उसमें, और उसके बाद लेट्स सी मैपिंग करना है या नहीं करना है, लेट्स सी परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। अगर आपको बाय करना रहेगा एग्जॉस्ट मुंबई में, तो आपको टॉप क्रिएटर्स जो है जो भी एग्जॉस्ट बनाते हैं मोस्टली, उसमें आपको तीन ही मिलेंगे, जो है ऑटो मैग, उसके बाद हो गया बार एग्जॉस्ट, उसके बाद हो गया मार्क परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट। तो मैं और मार्क परफॉर्मेंस के बारे में मैंने बहुत टाइम सुना है और मैं उन लोगों को फॉलो भी करता हूँ। मैंने सोचा कि अभी थोड़ा हटके हम लोग चलते हैं, थोड़ा बार एग्जॉस्ट की तरफ चलते हैं, अभी उन लोगों का काम कैसा रहता है। कि हम लोगों को काम करने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि एग्जॉस्ट का क्वालिटी कैसा है, साउंड कैसा है। तो आज हम लोग सुबह ही उठ गए थे क्योंकि हम लोग को जाना है ग्रैंड रोड से 37 किलोमीटर्स फ्रॉम बोरीवली, तो अभी वहाँ पहुँचने के लिए हम लोग को एक घंटा लग जाएगा, तो 9 बजे तक हम लोग वहाँ पर टच हो जाएंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, गए वीडियो में मैंने आपको एक्सनेस के पार्टनरशिप प्रोग्राम के बारे में बताया था। वीडियो में मैं आपको एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ कि एक्सनेस क्या है और यहाँ पे आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो। एक्सनेस एक फाइनेंशियल कंपनी है जो स्टार्ट हुआ था 2008 में और बहुत सारे वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफर करता है। इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जिस चीजों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो और रिटर्न्स में बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो, जैसे कि फॉरेक्स, क्रिप्टो करेंसी, इंडाइसेस, ऑयल, मेटल्स, और अभी इन लोग ने एक नया फीचर लाया है जो है स्टॉक, मतलब स्टॉक में भी आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है ट्रेडिंग के बारे में, तो आपका एक स्टैंडर्ड मिनी अकाउंट खोल सकते हो, उसमें आप स्टार्ट कर सकते हो ट्रेडिंग करना, वो भी $1 में। तो पता चलेगा कि ट्रेडिंग मार्केट कैसा है, ट्रेडिंग आपको कैसे करना है, और $1 मतलब बहुत कम प्राइस हो जाता है, मतलब उसमें ही आपको पूरा पता चल जाएगा कि आप ट्रेडिंग कैसे करना है, किस चीज में इन्वेस्ट करना है। गाइस मेरा भरोसा करो, आप थोड़े ही टाइम में ट्रेडिंग करना सीख जाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे आप जाके चेकआउट कीजिए, आपका एक नया फाइनेंशियल सक्सेस का रास्ता बनाइए, वो भी एक्सनेस को ज्वाइन करके विद अ वेरी स्मॉल डिपॉजिट। रुके क्यों, जल्दी से जल्दी जाके लिंक चेकआउट कीजिए। बात हो चुका है अफजल भाई से जो ओनर है बार एग्जॉस्ट सिस्टम के। दिन पहले मैंने फोन करके बोल दिया था कि मैं आने वाला हूँ, तो उन लोग ने उसके हिसाब से तैयारी करके रखी, एग्जॉस्ट बना के रखा है, जस्ट हम लोग को जाके फिटिंग करना है और दूसरा और काम है। तो ये हमारा पुराना एग्जॉस्ट है, जस्ट एक मफलर डिलीट है, अभी मैं आपको इसको आवाज सुना के दिखा देता हूँ। जो एग्जॉस्ट था मैंने वे टू स्पीड का लगाया था, वे टू स्पीड के एग्जॉस्ट में सिर्फ थोड़ा बेस बढ़ गया था, लाउड नहीं हुआ था, वो एक इशू था उसमें। तो अभी हम लोग जस्ट हाईवे पहुंचने वाले, यहाँ से राइट लेके डायरेक्ट सीधा सीधा जाना है हमको, और नसीब से आज थोड़ा कम ट्रैफिक है, तो अभी 1.5 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे, मतलब उन लोग का शॉप ओपन होता है तो 9 o'clock तक तो हम लोग शार्प एकदम टच हो जाएंगे आराम। तो अभी हम लोग वर्ली का सीलिंग जो है वो एंटर करने वाले। तो अभी हम लोग अभी मेन टाउन में आ चुके हैं, हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट बार एग्जॉस्ट सिस्टम के वहाँ पे मिलता है। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग पहुंच गए बार एग्जॉस्ट सिस्टम में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी काम स्टार्ट हो चुका है। हम लोग का ओल्ड एग्जॉस्ट है जो स्टॉक एग्जॉस्ट है वो निकालने का काम चालू है, वहाँ पे आप देख सकते हो जैक स्टैंड पे लगा दिया गया। इन लोग का वर्कशॉप है और यहाँ पे हम लोग की गाड़ी की काम चालू है, तो अगर आपको इसका एड्रेस चाहिए रहेगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। से आप देख सकते हो ये कम्प्लीटली जो टेल पाइप हम लोग का रिमूवल का काम चालू है अंदर से। तो ये सिंगल पाइप आप देख सकते हो यहाँ पे बनाया हुआ है, ये एक्चुअली मैंने बोला था आपको 2-3 दिन पहले मैंने बोल दिया था, तो ये पाइप बना के रखा हुआ है। ऑलमोस्ट अभी ये जॉब करने के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे लग जाएंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एग्जॉस्ट का मैनिफोल्ड है ये इन लोग ने प्रॉपरली इंस्टॉल कर दिया है। जो सिविक है और होंडा की बहुत सारी गाड़ियों में गाइस इंटीग्रेटेड मैनिफोल्ड रहता है, गाइस एक ही टेल पाइप जो निकलता है, ऑक्सीजन सेंसर है और नीचे भी आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑक्सीजन सेंसर है, यहाँ पे ऑक्सीजन सेंसर लगाना बाकी है। अब इसको हम लोग जो है कम्प्लीटली स्ट्रेट पाइप करने वाले, तो हेडर्स रहेंगे, उसके बाद डायरेक्ट लास्ट में एक मफलर रहेगा। बीच में मफलर लगाने वाले थे बट उसको अभी हम लोग नहीं लगा रहे क्योंकि आई वॉन्टेड मोर लाउड इनटेक। में आपको मैंने बोला था जो वैक्यूम का पाइप लगाने का है वो भी देखते हैं वो प्रॉपरली फिट हो जाएगा तो उसका भी काम हो जाएगा। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील और इसमें मिग वेल्डिंग हो रहा है अभी अंदर, थोड़ा मिग वेल्डिंग का भी काम चालू है। देख सकते हो ये हम लोग का पुराना जो मफलर है ये है, तो ये जस्ट एक मफलर डिलीट था जैसे मैंने बताया था बट नाउ इट्स कम्प्लीटली स्ट्रेट पाइप। ये रियली गाइस बना हुआ है माइल्ड स्टील से एंड नाउ वी आर यूजिंग द स्टेनलेस स्टील पाइप। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने बताया था आपको ये फ्लेक्सिबल इंस्टॉलेशन चालू है और वहाँ पे आप देख सकते हो अभी बोल्टिंग का काम स्टार्ट है, तो ये फ्लेक्सिबल एकदम प्रॉपरली फिट हो गया और वहाँ से एकदम स्ट्रेट रहने वाला है यहाँ तक पूरा पाइप। सो गाइज फॉर मोर बेटर लुक ये फ्लेक्सिबल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एज अ सस्पेंशन एक्ट करता है, तो अगर इंजन में ज़रा सा भी वाइब्रेशन रहेगा तो ये जो है ये प्रॉपरली डैम कर देगा और आपके एग्जॉस्ट को या फिर यहाँ पे बोल्ट्स जो रहते हैं उसको क्रैक नहीं करेगा। तो ये फ्लेक्सिबल वहाँ पे अभी इंस्टॉलेशन का काम चालू है। गाइस ये मशीन आप देख सकते हो ये MIG वेल्डिंग का मशीन है और कम्प्लीटली MIG वेल्डिंग यूज़ करने वाले हम लोग, ना कि कुछ ऐसा नॉर्मल सा गैस वेल्डिंग यूज़ करने वाले। आप देख सकते हो ये हमारा पुराना कैटेलिटिक कन्वर्टर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पे लगता है जैसे मैंने बताया था आपको। यहाँ दिस इज हाउ द मिग वेल्डिंग वर्क्स। अभी इसको पूरा पार्ट को पूरा बाहर निकाल दिया है और अच्छी तरीके से कम्प्लीटली एकदम पूरा वेल्डिंग कर देंगे। इसमें लगाया था ताकि उसमें जस्ट पूरा मेजरमेंट्स ले ले, बेंड पाइप कैसा है कैसा नहीं है वो सब चेक करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हो ऐसा कुछ दिखता है हम लोग का ऑक्सीजन सेंसर, तो ये जस्ट कोई दूसरी गाड़ी का ऑक्सीजन सेंसर है, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ। तो ऐसे कुछ होल्स रहते हैं इसके अंदर एग्जॉस्ट के गैसेस जाते हैं और ये डिटेक्ट करता है कि एग्जॉस्ट में कितना ऑक्सीजन है, उसके हिसाब से ECU को भेजता है और मिक्सचर है वो तैयार करता है। तो एयर इनटेक के लिए हम लोग ये वाला एयर फिल्टर यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ अ चाइनीज़ वन, मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने एयर फिल्टर नहीं यूज़ कर रहा हूँ कोई दूसरा वाला, ये चाइनीज़ वाला मैंने जेन के टाइम पे ख़रीदा था, इसके लिए मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई एयर फिल्टर नहीं है और मैं नया बाय नहीं कर रहा हूँ। जस्ट थोड़े दिन के बाद मैं इसमें KNN का एयर फिल्टर इंस्टॉल कर दूंगा। KNN का जो एयर फिल्टर है गाइस वो इससे बहुत ज़्यादा लाखों गुना अच्छा रहेगा। तो ये वाला एयर फिल्टर जस्ट एक नॉर्मल वाला है, चाइना वाला है, तो ये घर पहुंचने तक मेरे को यूज़ में आ जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, समझो हम लोग एक नाक से सांस ले रहे हैं और वो नाक छोटी है और दूसरे नाक से सांस छोड़ रहे हैं वो नाक बड़ी है, तो आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा वो। तो इसीलिए अगर आप फ्री फ्लो एग्जॉस्ट लगा रहे हो तो फ्री फ्लो इनटेक भी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर पहुंचने के बाद हम लोग इसका बहुत ज़्यादा अच्छा खासा फ्लाई बाय करेंगे, एग्जॉस्ट साउंड सुनेंगे, पब्लिक रिएक्शन देखेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला मफलर हम लोग यूज़ करने वाले हैं, इसमें ड्यूल टिप्स हम लोग को मिल जाने वाले हैं। आप देख सकते हो गाइस ऐसे कुछ इसके टिप्स रहने वाले हैं, ऐसे ड्यूल टिप बाहर आएंगे और वहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग का जो मिडल पाइप है वो लगाने का काम चालू है। आप देख रहे हो इसका भी जो कम्प्लीट फिटिंग है वो चालू है, तो इस पर अच्छी तरीके से मैंने बोला था कि वेल्ड करने वाले, तो वेल्ड कम्प्लीटली हो गया है, अभी जस्ट डायरेक्ट फिटिंग करने वाले। और आप देख सकते हो ऐसे हम लोग को ड्यूल पाइप्स मिल जाते हैं। देख रहे हो यहाँ पे पूरा जो इनटेक है हम लोग ने कम्प्लीटली निकाल दिया है ये कोल्ड एयर इनटेक लगाने के लिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका इनटेक है, ये यहाँ पे थ्रॉटल बॉडी है और यहाँ पे सब वैक्यूम के लाइंस है और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि मैंने बताया था ये पाइप हम लोग वैक्यूम केज के लिए फिट करने वाले। देख सकते हो ये हम लोग का एयर फिल्टर है और ये हम लोग का ट्यूबिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वैक्यूम के लाइंस है। एयर फ्लो सेंसर के लिए लगा बनाया हुआ है, तो ये बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मैप सेंसर निकाल दोगे तो आपका इंजन चेकलाइट दिखाएगा। एज यू कैन सी यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग ने कोल्ड एयर इनटेक फिट कर दिया है, ये मैप सेंसर है, उसके बाद ये वैक्यूम के लिए ट्यूबिंग बनाया वो यहाँ पे हम लोग ने लगा दिया। और ये तो ऐसा कुछ सेटअप है हम लोग का और अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं किया फिलहाल, तो अभी भी बैटरी टर्मिनल्स निकाल के रख गए क्योंकि अभी और दो तीन काम है वो कम्प्लीट। सभी फिटिंग्स हो गए और एयर इनटेक भी लगा दिया, एग्जॉस्ट भी लगा दिया, अभी इसको चालू करके देखते हैं कि कैसा साउंड करता है ये। तो अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं, तो कल रात को जो है जाते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी और उधर मैं आपको ज़्यादा शूट करके नहीं बता पाया फ्लाई बाय या कुछ भी और एग्जॉस्ट साउंड कुछ भी नहीं आपको बताया क्योंकि उधर इतना शूट करने का जगह नहीं था। तो हम लोग रात को फटाफट आ गए, मैंने सोचा कि कल सुबह फटाफट हम लोग वीडियो बना देंगे इसका। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी ठंडी है, सबसे पहले आपको इसका कोल्ड स्टार्ट बता देता हूँ कि कोल्ड स्टार्ट कितना ज़्यादा लाउड है। तो रिएक्शन देते थे पब्लिक, मतलब हाँ कोई और गाड़ी है, अलग सी गाड़ी लग रही है, लेकिन अभी साउंड भी है प्लस अलग सी गाड़ी भी है। फोन्स आपको ज़रूर पहनना पड़ेगा इस वीडियो के लिए क्योंकि हेडफोन्स के बिना आपको ज़रा सा भी मज़ा नहीं आएगा।
अंदर से भी सुन सकते हो कि कैसा साउंड आ रहा है। साउंड बहुत ज्यादा लाउड है, एक बार रेव करके दिखा देता हूँ। अंदर से आपको लग रहा नहीं बट बाहर से बहुत ज्यादा लाउड है गाइस। एक पुल दे देते हैं, अंदर से आप इसका आवाज सुन लो। आप देख रहे हो ये हमारे दो टेल पाइप्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये टेल पाइप डमी दिया गया है और ये टेल पाइप ही वर्किंग है हमारा। तो इसका रीजन क्या है मैं अभी आपको बताया था। अफजल भाई को मैंने बोला था कि मेरे को दोनों जगह पे एग्जॉस्ट चाहिए, मतलब दोनों फ्री फ्लोइंग चाहिए। भाई का सजेशन ये था कि दोनों जगह पे एग्जॉस्ट नहीं लगा सकते क्योंकि सिलेंडर भी बहुत ज्यादा छोटा है और दोनों साइड लगाओगे तो मतलब गैस जल्दी फ्लो होगी तो पावर ड्रॉपेज हो सकता है। जैसे कि अभी मैंने लगाया इसमें जरा सा भी पावर ड्रॉपेज नहीं, उल्टा ऐसा लग रहा है कि पावर बढ़ गया है, साउंड बढ़ गया है। अफजल भाई ने ये चीज बोला था कि एक काम करते डमी लगा देते, तो मैंने बोला कि डमी तो थोड़ा ओरिजिनलिटी मतलब फेक टाइप हो जाएगा, मेरे को वो चीज़ नहीं करना था। ऐसे था इसलिए मेरे को भी लगा कि हाँ वो जगह को कुछ तो करना चाहिए। तो हम लोग ने एक नॉर्मल सा दो टिप लगा दिया, वहाँ से कुछ एयर नहीं आता कुछ नहीं आता, जस्ट फॉर अ लुक। देखते हैं अभी आपको पसंद आया तो मैं रखूँगा, अगर आपको नहीं पसंद आया तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं निकाल भी सकता हूँ उसको। एक बार जाइए बार एग्जॉस्ट में अगर आपको एग्जॉस्ट लगाना है, बहुत अच्छे बंदे। एग्जॉस्ट सिस्टम मेरे को कॉस्ट क्या है 19,000 रुपीस का। अगर आपका दूसरा गाड़ी, आपका दूसरा रिक्वायरमेंट है, कैटबैक एग्जॉस्ट है, दूसरा एग्जॉस्ट है, तो उसमें आपका थोड़ा कम हो जाएगा। मुझे चाहिए कि मैं एक वीडियो बनाऊँ माइलेज के ऊपर और थोड़े पब्लिक रिएक्शन के ऊपर, तो उसका भी कमेंट कर दीजिए। तो माइलेज के बारे में एक दो दिन में चेक करके बता दूंगा आपको। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, होप यू गाइस सी इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड डू वॉच इट आउट, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।